नमस्कार द नगरी न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साक्षी शर्मा आपके साथ। आज मैं फिर लेकर आई हूं एक और विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण और साथ में वहां के प्रत्याशियों के राजनीतिक गुण। आज हम बात करेंगे संगरिया विधानसभा सीट के बारे में। यहाँ से कांग्रेस ने शबनम गोद्रा का टिकट काट कर अभिमन्यु पूनिया पर दाव खेला है और बीजेपी ने एक बार फिर गुरदीप सिंह शाहपेनी को मैदान में उतारा है। यहाँ के 2018 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो संगरिया सीट पर कांटे का मुकाबला हुआ था। बीजेपी के गुरदीप सिंह को चुनाव में 99,064 वोट मिले तो कांग्रेस के शबनम के खाते में 92,526 वोट आए। गुरदीप सिंह ने रोमांच से भरा ये मुकाबला 6,538 मतों के अंतर से जीता था। संगरिया विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की अगर बात करें तो यहाँ पर 1990 से लेकर अब तक के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार समेत तीन बड़े दलों को जीत मिल चुकी है। 1990 में CPI को यहां से जीत मिली थी, पर साल 1993 में निर्दलीय प्रत्याशी के खाते में ये जीत गई और साल 1998 में कांग्रेस के कृष्ण चंद्र बिश्नोई को यहां से जीत मिली। साल 2003 में भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर अपना जीत का खाता खोला और गुरजीत सिंह यहाँ से विधायक बने, लेकिन कांग्रेस के परम नवदीप ने फिर से पार्टी के लिए 2008 में जीत हासिल की, लेकिन 2013 के चुनाव में मामला फिर बदल गया और बीजेपी ने दूसरी बार यहां से जीत हासिल की। तब कृष्णा कावड़ा यहां विधायक बने। फिर 2018 के चुनाव में बीजेपी के गुरदीप सिंह ने पार्टी को यहां से अहम जीत दिलाई। अब बीजेपी की नजर इस सीट पर चुनावी जीत की हैट्रिक लगाने पर है, लेकिन इस सीट पर जीत किसको मिलेगी ये तो जनता ही तय करे। संगरिया विधानसभा सीट के जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ पर 2,45,000 के आसपास मतदाता हैं और यहाँ जाट समाज का दबदबा है। अब बात करें कांग्रेस प्रत्याशी अभिमन्यु पूनिया की तो वे सचिन पायलट खेमे के हैं। वे राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ के महासचिव रहे हैं और NSUI के प्रदेशाध्यक्ष भी रहे हैं। बता दें पायलट खेमे की बगावत के समय अभिमन्यु पूनिया को NSUI प्रदेशाध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। अब बात करें बीजेपी प्रत्याशी गुरदीप सिंह शाहपेनी की तो वे वर्तमान में संगरिया से विधायक हैं। पिछली बार बीजेपी ने इन्हें प्रत्याशी बनाया था और इससे पहले 2008 और 2013 का चुनाव उन्होंने निर्दलीय के रूप में लड़ा था और लेकिन ये चुनाव हार गए। इस बार संगरिया विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे ये तो जनता ही तय करेगी। आज बात की संगरिया विधानसभा सीट की, अगली बार फिर मिलूंगी और एक और विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण से आपको रूबरू करवाऊंगी। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।